नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को 36 इंच प्रिंसेस कट ब्लाउज में कॉलर वाला ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं वो पूरी डिटेल से आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएँ जिससे कि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा कि आप में से 90% ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फिर भी आप मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और पसंद करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम कटिंग में आते हैं। तो पहले फ्रेंड्स, हम ब्लाउज़ के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर है 15 इंच, सीना है 36 इंच, कमर है 28 इंच, आस्तीन की लंबाई है 5 इंच और आस्तीन का आर्म होल है 6.25 इंच और आस्तीन की मोहरी है 5 इंच। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो नाप है ये बॉडी नाप नहीं है, ये कपड़े से लिया हुआ नाप है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और कपड़े से नाप कैसे लेते हैं उसका भी मैंने अलग वीडियो बना चुका है जिसका ऊपर आई बटन में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और बॉडी नाप कैसे लेते हैं ब्लाउज का उसका भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका भी मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर रहा हूँ तो पहले मैं इसमें बैक पोर्शन की कटिंग करूँगा, उसके बाद रख के मैं सामने पल्ले की कटिंग करूँगा जिसमें सारा का सारा मार्जिन ऐड रहेगा। आपको कपड़े में कटिंग करते वक्त और भी कोई मार्जिन ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ब्लाउज की लंबाई को लेते हैं। तो ब्लाउज की लंबाई फ्रेंड्स हमारी 14 इंच है, तो 1 इंच हम उसमें ऐड कर लेंगे यानी कि 15 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 15 इंच, अब इधर भी एक 15 इंच में हम मार्क कर लेंगे ऐसा, और इसको हम स्केल से सीधा कर लेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि हमेशा सीधी लकीर खींचने के लिए स्केल का उपयोग करें। अब फ्रेंड्स हम आते हैं इसके शोल्डर में। तो शोल्डर फ्रेंड्स, क्योंकि ये कॉलर वाला ब्लाउज बन रहा है तो हम इसमें 15 इंच का हाफ होगा 7.5 इंच, ये 7.5 इंच में निशान यहाँ लगा लेंगे और एक 7.5 इंच में निशान फ्रेंड्स हम इसके नीचे की साइड लगा लेंगे और उसको भी हम स्केल से सीधा ऐसा मार्क कर लेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स हम आर्म होल में, क्योंकि 36 इंच सीना है फ्रेंड्स और क्योंकि ये कॉलर वाला ब्लाउज बन रहा है तो हमारा जो आर्म होल इसका है 6.25 इंच, तो हम इसमें कटिंग करेंगे 6 इंच में। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे 6 इंच में फ्रेंड्स कटिंग करेंगे, ये 6 इंच में हमने एक निशान लगा दिया और एक 6 इंच में हम आगे भी ऐसा निशान लगा लेंगे और इसको भी स्केल से हम ऐसा सीधा कर लेंगे ये ऐसे। अब फ्रेंड्स आते हैं हम गले की ओर। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा ब्लाउज कॉलर वाला है तो गला हम इसमें रखेंगे 3 इंच में। फ्रेंड्स ये देखिए 3 इंच में। फ्रेंड्स क्योंकि कॉलर वाला ब्लाउज है तो मैं इसमें अभी गला कटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं गले के लिए आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूंगा, वो कटिंग करते वक्त आप लोगों को साथ में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स क्योंकि सीना हमारा 36 इंच है तो 36 इंच का 1/4 होता है फ्रेंड्स हमारा 9 इंच, तो 9 इंच में मैंने मार्क कर लिया और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड कर लेते हैं, ये 1.5 इंच ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स कमर में। तो कमर हमारा 28 इंच है तो 28 इंच का फ्रेंड्स 1/4 होता है हमारा 7 इंच ये, और पीछे पल्ले में हम डॉट लगाते हैं उसका 1 इंच हो गया और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन दिया हुआ है वैसे हम नीचे इक्वल मार्जिन देंगे। अब फ्रेंड्स इसको भी हम स्केल से सीधा कर लेंगे, मैं मार्जिन में भी निशान लगा रहा हूँ। कई सब्सक्राइबर बोलते हैं कि सर मार्जिन में भी निशान लगाइए, तो मैं मार्जिन में निशान लगा रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत होती है फ्रेंड्स तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमको आर्म होल कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स शोल्डर से 1/2 इंच अंदर की ओर ऐसा तिरछा लकीर खींच लेना है ये ऐसे। अब फ्रेंड्स जैसे हम नॉर्मल 1 इंच में लेते हैं वैसे हम यहाँ पर 1 इंच में यहाँ पर ऐसा कांदर में रख के नाप ले लेंगे ये 1 इंच यहाँ से, और इसको फ्रेंड्स हम ऐसे कर्व लेते हुए लाके इसको ऐसे, लेकिन फ्रेंड्स इसको हमको थोड़ा ऐसे लेना है क्योंकि ये ऐसी कटिंग हमको कॉलर वाले में ही करना है कटिंग, इस बात का ध्यान रखेंगे कि कॉलर वाले में ही हम इसको नीचे उतारेंगे, बाकी सिंपल ब्लाउज में हमको नीचे नहीं उतारना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको ये क्योंकि हमारा सामने पल्ले का है और यहीं पर से फ्रेंड्स हमें ऐसा टेप रख के 1.5 इंच में बैक पोर्शन की कटिंग करेंगे, ये 1.5 इंच में निशान लगा के ये देखिए फ्रेंड्स इसको भी हम ऐसे मिलाते हुए इसको लाके ऐसा मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स आपको ऐसे ही निशान लगाना है तभी आपकी कॉलर वाले की फिटिंग अच्छी आएगी, नहीं तो यहाँ पर आपका सलवट आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा बैक पोर्शन कट रहा हो गया है, तो चलिए अभी हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कट गया है हमारा बैक पोर्शन। अब हम अलग से एक पेपर लेके इसको
पीछे पल्ला कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अलग से पेपर ले लिया है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि हमको, क्योंकि ये फ्रंट पोर्शन है, तो हमको यहाँ नीचे से फ्रेंड्स यहाँ से 1.25 इंच में ऐसा निशान लगा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसा, क्योंकि हमको 1.25 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं सामने पल्ले में। ये इसको स्केल से ऐसा खींच लेंगे और इस साइड फ्रेंड्स हमको 0.5 इंच, तो फ्रेंड्स 0.5 इंच हम इसमें रखेंगे हुक आई के लिए मार्जिंग। उसके बाद फ्रेंड्स हमने जो बैक पोर्शन का जो कटिंग किया हुआ था, ये इसको यहीं पर लाके रख लेना है। ये ऐसे फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल एज इट इज देखिए कैसे रखा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स इसको हम इसमें कॉपी कर लेंगे, यानी कि ड्रा कर लेंगे। इसको सेम एज इट इज ड्रा करना है फ्रेंड्स, आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ ये बहुत ही सरल तरीका है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। अब ये 3 इंच में फ्रेंड्स हमने जो गली का फैला रखा था वहाँ पर ड्रा कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये कलर वाला ब्लाउज है तो हमको गले का फैलाव इसमें 3 इंच ही रखना है। अब फ्रेंड्स हम इसको हटा लेते हैं, ये देखिए इसको हम हटा लिए। अब फ्रेंड्स अब हम इसमें कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसमें सामने का गहराई कटिंग कर लेते हैं। तो सामने की गहराई फ्रेंड्स हमने 0.5 इंच में रहता है, मैं नाप नहीं रहा हूँ, लेकिन आप इसमें नाप करके कटिंग कर सकते हैं। ये ऐसे, ये हमारे सामने पल्ले की गहराई हो गई। अगर आपको फिटिंग वाला चाहिए तो इसकी गहराई को आप और भी गहरा कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं गले में। गले का जो फैलाव हमने 3 इंच में लिया था, यहाँ पर भी हम मार्जिन को छोड़ के हुकाई का 3 इंच में निशान लगा लेंगे और इसको सीधा हम यहाँ पर ऐसा लकीर खींच लेंगे। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अब इसमें फ्रेंड अगर हमको फुल स्ट्रेट कॉलर चाहिए, यानी कि गले में पैक तक, जैसे नेहरू कॉलर आता है उस टाइप का, या पैक गले में, तो हमको इसको रखना है 3.5 इंच में। ध्यान रखेंगे 3.5 इंच में, ये 3.5 इंच में जिसमें हमारा गला पैक हो जाएगा, मतलब उसमें आपको कहीं भी नीचे और भी खुला हुआ नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम इसमें हाफ स्टैंड चाहते हैं, इसको हम फुल स्टैंड बोलते हैं जो गला पैक रहता है उसको, और हाफ स्टैंड फ्रेंड जो सामने से गला खुला हुआ रहता है, जैसे कि मेरा सामने गला 6 इंच है, तो फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ पर ऐसा गोल लेके यहाँ से इसका हाफ स्टैंड कॉलर लग सकता है। अब फ्रेंड्स अगर हमको इसमें गले में कोई भी शेप लेना है, तब आप अपने अनुसार स्क्वायर, वी या पान शेप आप गला ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स अब क्या करना है, तो फ्रेंड्स हम आते हैं डॉट पॉइंट के लिए। तो फ्रेंड्स 36 इंच सीना है, तो हम इसका निशान लाएंगे 10.5 इंच में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 10.5 इंच में, और फ्रेंड्स इस साइड से हम निशान लाएंगे मार्जिन को छोड़ के हुकाई का 4 इंच में। ये ऐसे ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, हमको हुकाई की मार्जिन छोड़ के 4 इंच में निशान लगाना है, और वैसे हमको यहाँ पर भी 4 इंच में निशान लगा लेना है। ये ऐसे, और फ्रेंड्स इस साइड हमको लगाना है निशान 5.5 इंच में। ये 5.5 इंच में। अब फ्रेंड्स हम इसको स्केल से सीधा ऐसा खींच लेंगे, ये ऐसा, और इस साइड फ्रेंड्स हमको ऐसा राउंड हल्का लेते हुए लाके हम मिला लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पफ का साइज कट हो गया है। अब उसके बाद फ्रेंड्स हमको पफ निकालना है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा पफ चाहिए तो आप 3.5 इंच में रखिए, अब कम पफ चाहिए तो 3 इंच में। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 3.5 इंच में ही कटिंग करें, जिससे कि बहुत ही परफेक्ट शेप आता है ब्लाउज का प्रिंसेस कट में। तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच ऐड किया हुआ है, मतलब यहाँ निशान लगाया हुआ है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमको ऐसे हल्का सा शेप लेते हुए इसको लाके ऐसे मिला लेना है। देखिए फ्रेंड्स हमेशा प्रिंस कट का कट के ब्लाउज की कटिंग में ऐसा शेप आप रखिए। ऐसा सीधा शेप कब रखेंगे, अगर आपको पफ में बिल्कुल भी फुलाव नहीं चाहिए, ऐसे शेप में फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से पफ का फुलाव आता है। अब फ्रेंड्स ये सामने पल्ला है, क्योंकि हमने 3.5 इंच यहाँ से कट कर लेंगे, तो अब हमको इसमें मार्जिंग ऐड करनी है, जिससे कपड़े में रख के कटिंग करते वक्त हमको और भी कोई मार्जिंग ऐड करने की आवश्यकता ना पड़े। तो फ्रेंड्स 3.5 इंच यहाँ का हो गया, अब 0.5 इंच यहाँ दबाया होगा, अब 0.5 इंच यहाँ दबाव होगा, यानी कि दबाव हमारा 1 इंच का हो गया। तो 3.5 इंच में हमको 1 इंच ऐड कर लेना है, तो यानी कि हमको निशान लगाना है अब यहाँ से फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर से 4.5 इंच में, ये यहाँ पर, और फ्रेंड्स हमको ऊपर के साइड में निशान लगाना है 1 इंच का। तो फ्रेंड्स 1 इंच का निशान इसलिए क्योंकि हमारा 0.5 इंच यहाँ पर और 0.5 इंच इस पार का हमको सिलाई मार्जिन ऐड करना है। अब फ्रेंड्स हमको इसको स्केल से ऐसा मिला लेंगे, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा मार्जिन। अब क्या करना है फ्रेंड्स, तो अब फ्रेंड्स हमको यहाँ से इसको ऐसा तिरछा शेप ले लेना है, और ये भी इधर से भी हमको तिरछा शेप यहाँ पर लाके ऐसा मिला लेना है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ से है, हमने यहाँ से मिलाया है।
मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, हम इसकी लंबाई इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि सिलते वक्त ये वाला पोर्शन खिंचा हुआ आता है, इसकी वजह से हमको बढ़ाना पड़ता है। आप सिलते वक्त इसको सिलने के बाद बैक पोर्शन के अकॉर्डिंग इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, इसकी वजह से हम इसमें बढ़ाते हैं। अब फ्रेंड्स ये हमारा सामने पल्ला तैयार हो गया है, तो चलिए अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सामने का पल्ला भी कट गया है। अब हम इसमें पीछे पल्ले के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा कॉलर वाला ब्लाउज है, तो इसमें हमको गला कितने इंच डीप रखना है इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमको, कुछ लोग फ्रेंड्स इसको 1.5 इंच डीप काटते हैं, कुछ लोग 1 इंच काटते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारी लंबाई जो है ब्लाउज में 1 इंच इसमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड है। तो फ्रेंड्स मैं ऊपर हमेशा कहता हूँ सबको कि 1.25 इंच दबाए करें, तो फ्रेंड्स हमको हमेशा डीप उतना ही काटना है पीछे गला, जितने गले जितने इंच का हम ऊपर शोल्डर में दबाव रखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसमें इसको 1.25 इंच में ही कट कर रहा हूँ, वो इसीलिए फ्रेंड्स क्योंकि ये जुड़ने के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, और कभी भी कॉलर में अगर आप इससे डीप काटते हैं तो कलर आपका थोड़ा सा बैठा हुआ रहेगा, खड़ा हुआ रहेगा नहीं। और स्टैंड कॉलर का मतलब ही होता है, स्टैंड मतलब खड़ा, खड़ा हुआ कॉलर आपको हमेशा 1.25 इंच में ही मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ये मेरी तरफ से आप लोगों को टिप है कि कॉलर वाले ब्लाउज में आप हमेशा 1.25 इंच ही पीछे कटिंग करें, जिससे कि कॉलर आपका बहुत अच्छे से और फिनिशिंग से बैठे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कितना कटिंग किया हुआ है, हमको इतना ही कटिंग करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स अब चलिए मैं आपको आस्तीन की कटिंग बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने आस्तीन के लिए अलग से पेपर ले लिया है, अब मैं इसमें 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आस्था वाले ब्लाउज के अकॉर्डिंग मैं कटिंग कर रहा हूँ। अगर आप सादे ब्लाउज के अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं तो यहाँ पर 1/4 इंच या फिर 1.5 इंच का आप सिलाई मार्जिन देंगे, मैं इसको अस्तर वाले के अकॉर्डिंग कटिंग कर रहा हूँ। चूँकि ब्लाउज की लंबाई हमारी 5 इंच है तो मैं इसमें 1/2 इंच मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए। और इस साइड भी मैं 5.5 इंच में निशान लगा रहा हूँ। अब इसको स्केल से सीधा कर लीजिए। अब फ्रेंड्स मैं इसमें कटिंग करूँगा, क्योंकि 36 इंच सीना है तो इसका, और आस्तीन की लंबाई है इसकी 5 इंच, तो 3.5 इंच में मैं निशान लगा रहा हूँ आर्म होल के डिस्टेंस को, ये देखिए। अब इसको भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। अब है फ्रेंड्स इसका आर्म होल आस्तीन का 6.25 इंच है, तो मैं 6.25 इंच में निशान लगा रहा हूँ। फ्रेंड्स हमेशा आर्म होल को आप ऐसे नापें, ऐसे नहीं, ऐसे अगर आप नापेंगे फ्रेंड्स तो वो रॉन्ग रहेगा, उसमें कभी भी आपको परफेक्ट आर्म होल की फिटिंग नहीं मिलेगी। अब फ्रेंड्स उसके बाद हम आते हैं आस्तीन के मोहरी में, तो आस्तीन की मोहरी हमारी 5 इंच है, ये 5 इंच में निशान लगा दिए। अब फ्रेंड्स यहाँ से मैं 2 इंच में निशान लगा रहा हूँ, आप भी ध्यान रखेंगे आस्तीन की कटिंग कैसे करते हैं, मैंने उसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अब यहीं से फ्रेंड्स हमको ऐसा राउंड शेप लेते हुए ये ऐसे, मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स इसकी आस्तीन की गहराई ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे आप कटेंगे तो यहाँ पर फुलाव आएगा। अब फ्रेंड्स लगे हाथ मैं इसमें सामने की गहराई भी ड्रा कर लेता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे। इसमें आपको आस्तीन की फिटिंग बहुत जबरदस्त आएगी, आर्म होल की फिटिंग। अब फ्रेंड्स मैं इसमें भी मार्जिन का निशान लगा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो मार्जिंग है मैंने क्योंकि सीना और कमर में 1.5 इंच का लिया था, तो आप भी आस्तीन की मार्जिंग में 1.5 इंच की मार्जिंग रखें, तभी आपके ब्लाउज में सफाई से अंदर की स्टिचिंग दिखेगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने कंप्लीटली कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग कर लिया है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।